खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल टिड़वा चिलौला लखीमपुर रोड सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल सीतापुर। यूपी के कई जिलों में बवाल पर सीएम योगी सख्त, समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के दिए निर्देश। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि भाजपा वालों के साथ कल भी अदावत थी और आज भी अदावत है। यूपी में हिंसा करने वाले आरोपियों की पुलिस करा रही पहचान, पुलिस ने अब तक 230 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के कृषि मंत्री व लखनऊ मंडल के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को सीतापुर पहुंचे। कृषि मंत्री को सीएससी महमूदाबाद के औचक निरीक्षण में मिली भारी कमी, आदि चेक को फटकारा किया जवाब तलब। महमूदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष ने चीनी मिल मार्ग पर लगाई स्ट्रीट लाइट परियोजना का किया उद्घाटन। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने हरगांव के महादेव अठरा में 7 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। ब्लॉक रेउसा के बिर्रा बरौरा में प्रधान के जेल भेजे जाने पर डीएम ने ग्राम पंचायत के कार्यों के संचालन को बनाई समित। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। शनिवार को टीम 9 के साथ बैठक में कानून व्यवस्था की जानकारी लेते हुए सीएम ने अफसरों को निर्देश दिया कि समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, पर ध्यान रहे किसी निर्दोष का उत्पीड़न न हो। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। यूपी में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न राज्यों में कोविड के नए केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, हालांकि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 1087 है। विगत 24 घंटों में 96,000 से अधिक टेस्ट किए गए और 236 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 152 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। जीनोम सीक्वेंसिंग के हालिया नतीजे बताते हैं कि प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही संक्रमण है। यह स्थिति घबराने की नहीं है, किंतु सतर्क और सचेत रहने की है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि भाजपा वालों के साथ कल भी अदावत थी और आज भी अदावत है, और मरने के बाद भी हमारी कब्र की भी अदावत रहेगी, वो भी उसूलों की बुनियाद पर। हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है, इसलिए हमारे आपस के रिश्तों में कोई खटास नहीं आनी चाहिए। जाति और धर्म की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। रामपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर को हम दुनिया के नक्शे पर लेकर आएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए सपा प्रत्याशी आसिम राजा को जिताने की अपील की। यूपी में विगत शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कई जिलों में हिंसा करने के आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। मामले में लगातार गिरफ्तारियां करते हुए पुलिस ने अब तक 230 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि कल जो घटना हुई है उसमें कुछ जनपदों में कुछ व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की है, जिनकी पहचान की जा चुकी है।
उनकी गिरफ्तारी बहुत तेजी से की जा रही है। अब तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। यूपी के कृषि मंत्री व लखनऊ मंडल के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को सीतापुर पहुंचे। उनके साथ राज्य मंत्री संसदीय कार्य जसवंत सैनी और राज्य मंत्री विज्ञान एवं सूचना अजीत पाल भी थे। पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय बघाइन व पंचायत भवन के निरीक्षण से पहले अचानक उनका काफिला महमूदाबाद के महिला अस्पताल के सामने रुक गया। महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। फिर महमूदाबाद की सीएससी का निरीक्षण करने पहुंचे तो गंदगी देख नाराजगी जताई। अधीक्षक को फटकार लगाते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय बघाइन में कायाकल्प योजना का निरीक्षण किया। मंत्री ने स्कूल में मौजूद ग्रामीणों से बात कर राशन, बिजली, सिंचाई आदि के बारे में जानकारी ली। यहां सीडीओ अक्षत वर्मा, प्रधान राम नरेश ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मंत्री का स्वागत किया। प्रधानाचार्य अर्चना वर्मा, शिक्षक उमेश वर्मा, दीप्ति वर्मा, उषा वर्मा ने मंत्री समूह को स्मृत चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रधानाध्यापिका ने मंत्रियों को विद्यालय द्वारा नवाचार के तहत किए जा रहे प्रयासों की पुस्तिका दिखाई। बीएसए अजीत कुमार ने मंत्रियों को स्कूलों के कायाकल्प के तहत हो रहे कार्यों की जानकारी दी, फिर कार्यों की जानकारी ली। इस मौके पर सीडीओ अक्षत वर्मा, डीडीओ राकेश पांडे, एसडीएम दिव्या ओझा, बीडीओ हौसला प्रसाद, सीओ रविशंकर प्रसाद, कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी अनुज उमराव, कर्णेश कुमार आदि मौजूद रहे। रेवसा में आयोजित गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। 80 करोड़ लोगों को 2 वर्ष तक फ्री राशन, गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी, आयुष्मान कार्ड, 3 करोड़ से अधिक लोगों को इलाज के लिए दिया गया। मोदी के नेतृत्व में देश का मान व सम्मान बढ़ा। सभा को राज्य मंत्री जसवंत सैनी, अजीत पाल, सांसद राजेश वर्मा, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा आदि ने भी संबोधित किया। स्योता विधायक ज्ञान तिवारी ने क्षतिग्रस्त फसल मुआवजे की मांग करते हुए क्षेत्र में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज व कृषि विद्यालय की आवश्यकता बताई। इस मौके पर एमएलसी पवन सिंह, कृष्ण कुमार त्रिवेदी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, सत्य प्रकाश सिंह कुशवाहा, कंचन वाजपेयी, ओम प्रकाश मिश्रा, नैमिश रत्न तिवारी, ज्ञानेश शुक्ला, लक्ष्मीकांत मौर्य, मनोज सिंह, राजा राम निषाद, रामपाल मौर्य आदि मौजूद रहे। महमूदाबाद नगर पालिका परिषद द्वारा चीनी मिल मार्ग स्थित गायत्री मंदिर से चीनी मिल गेट तक करीब 9.5 लाख रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट परियोजना का उद्घाटन पालिका अध्यक्ष ममता सोनी और प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने बटन दबाकर किया। कई वर्षों से रात के अंधेरे में डूब जाने वाले मार्ग बटन दबाते ही दूधिया रोशनी से जगमग हो गए। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि विकास के लिए नगर पालिका सदैव तत्पर रही है। मौजूदा समय में 7 सड़कों के निर्माण का काम चल रहा है। इस मौके पर प्रमोद सोनी, सभासद प्रदीप मौर्य, बदर अहमद आदि मौजूद रहे। भारत परिषद भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबी पांडे के अनुमोदन पर भारत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह द्वारा जनपद सीतापुर की कार्यकारिणी का गठन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व जिला महासचिव आका याकूब खान को प्रदेश उपाध्यक्ष तथा रत्नेश द्विवेदी को मंडल अध्यक्ष लखनऊ मंडल का दायित्व सौंपा गया है। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार आर्य को लखनऊ मंडल का महासचिव मनोनीत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी 9 मनोनीत पदाधिकारियों को 1 माह में पूरे लखनऊ मंडल व जनपद की कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सीतापुर के कार्यवाहक अध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने बताया, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सीतापुर एवं खुदरा कृषि व्यापारी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन 12 जून को किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता होंगे। शहर के जीके ग्रैंड निकट गल्ला मंडी में सुबह 10 बजे से होने वाले सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आयोजन को सफल बनाने की अपील मीडिया प्रभारी अंकित अग्रवाल ने व्यापारियों से की है। बिस्वा, कोतवाली व नगर के सुगर फैक्ट्री कॉलोनी निवासी सचिन कुमार पुत्र राम सनेही ने बताया कि 9 जून को वह अपनी मां से मिलने कानपुर गया था। इस बीच 10 जून की देर रात चोर उसके घर से लाखों की नकदी व ज्वेलरी समेत सरकारी अभिलेख भी चोरी कर ले गए। पीड़ित ने घटना की सूचना कोतवाली में तहरीर के माध्यम से दे दी है। प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा।
सिधौली कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान 2 पुलिस विभाग व 11 राजस्व विभाग सहित कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 4 मौके पर निस्तारण कर दिया गया तथा बाकी शिकायतों का संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित कर दी गई। इस मौके पर नगर पंचायत के अधिशासी अभियंता सर्वेश कुमार शुक्ला, कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी, लेखपाल मिश्रा, अखंड प्रताप सिंह, अवनेश मिश्रा सहित क्षेत्रीय लेखपाल, नगर पंचायत कर्मचारी व कोतवाली स्टाफ मौजूद रहा। ब्लॉक रेउसा की ग्राम पंचायत बर्रा बरौरा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनवाए गए शौचालयों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र की टाइल लगवाए जाने के मामले में आरोपी ग्राम प्रधान को जेल भेजने की कार्यवाही की गई थी। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने ग्राम पंचायत बिर्रा बरौरा में 3 सदस्य समिति गठित कर ग्राम पंचायत के कार्यों को संचालन आदेश बीडीओ रेसा को दिया है। ब्लॉक एलिया के नेरी हेमपुर पंचायत भवन में शनिवार को जनसुनवाई के तहत जनता की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याएं दूर करने को कहा गया। यहां ग्रामीण इसलिए नाखुश नजर आए क्योंकि किसी को पानी की समस्या है तो किसी को बताया कि सफाई कर्मी नहीं आता है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या समाज कल्याण अधिकारी आलोक वाजपेयी के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को पंचायत भवन हेमपुर में जो पेंशन के पात्र हैं वह आकर अपनी पेंशन निःशुल्क बनवाएं। इस मौके पर एडीओ आईएसडी प्रभारी मनोज वाजपेयी, पीडब्ल्यूडी जेई नवीन कुमार, एडीओ पंचायत एलिया प्रमोद शुक्ला, एबीएसए रमाकांत मौर्य, पशु चिकित्सा अधिकारी नेरी कला संजीव जायसवाल, ग्राम पंचायत सचिव शिखा शुक्ला आदि मौजूद रहीं। कमलापुर थाना इलाके में सिलसिलेवार चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बेखौफ चोर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। शुक्रवार को क्षेत्र के नेवादा गांव में रहने वाले नवी मोहम्मद के घर चोरों ने धावा बोला। 2,000 रुपए की नकदी व जेवरात समेत लगभग 1,00,000 का माल चोर बटोर ले गए। पीड़ित ने कमलापुर पुलिस को तहरीर दी है। इलाके में निरंतर बढ़ रही चोरियों की घटनाओं से लोगों में जहां भय व्याप्त है, वहीं कमलापुर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कमलापुर थाना परिसर में एसएचओ पुष्पराज कुशवाहा की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 13 शिकायती प्रार्थना पत्र आए। इनमें पुलिस से संबंधित 1 व राजस्व से संबंधित 12 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। एक भी प्रार्थना पत्र का मौके से निस्तारण नहीं हो सका। सभी शिकायतों को पृष्ठांकित करके संबंधित अधिकारी को 15 दिन में निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। इस मौके पर कस्बा इंचार्ज कमलापुर लालधर प्रसाद, लेखपाल ममता सिंह, शारदा बख्त सिंह, अंशुमान पांडे, शरद कुमार, पवन राय, अभिषेक दीक्षित, शशांक मिश्रा, विवेक शुक्ला, उत्तम पाल, चंद्रपाल आदि मौजूद रहे। प्रधान संघ कसवंडा की बैठक संघ कार्यालय सिंह ढाबा कमलापुर में संपन्न हुई। प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि वैभव सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायतों में विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रधानों से चर्चा की गई। मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए जाने, समय से उनके खाते में पैसे भेजे जाने एवं कायाकल्प कार्यों की समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रधान संघ उपाध्यक्ष सुनीत सिंह ने बताया कि सभी मूल समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में वेद सिंह, प्रेम कुमार, मोहम्मद नफीस, संदीप गुप्ता, विद्याधर पांडे, महादेव सिंह, संतोष यादव, जयप्रकाश, रामगोपाल गुप्ता, कमल सेन, ब्रजलाल राधेलाल, अरविंद अवस्थी, गया प्रसाद, मोतीलाल, प्रमोद जायसवाल आदि प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत सरौरा कला के पंचायत भवन में शनिवार को जन चौपाल का आयोजन एडीओ आईएसबी प्रभारी खंड विकास अधिकारी शिव प्रकाश दुबे की अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर आलोक कुमार से संतोष नाम के व्यक्ति ने कोटेदार नंदलाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अंगूठा लगवा लेते हैं और बीज का राशन गमन कर जाते हैं। समाज कल्याण विभाग से सहायक विकास अधिकारी प्रेमचंद ने पेंशन, सामूहिक विभाग एवं अनुदान संबंधित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में जानकारी दी। इस मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी कमलापुर डॉक्टर ज्ञानेन्द्र वर्मा, एडीओ कोऑपरेटिव प्रियंका तिवारी, सचिव अंशिका वर्मा, प्रधान देशराज यादव, एडीओ पंचायत सुभाष चंद, सर्वेश कुमार, पंचायत मित्र विमलेश कुमार, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सन्नो बेगम, ज्ञान देवी, राजेश कुमार, सचिन कुमार, प्रभाकर आदि मौजूद रहे। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम तोपखाना में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर उन्हें केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया।
इस मौके पर सेक्टर संयोजक सलमान जैदी व युवा कार्यकर्ता सानू खान सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रभावशाली युवा जनसंपर्क अभियान के तहत मंडल लहरपुर देहात के युवा मोर्चा अध्यक्ष शुभम श्रीवास्तव ने अमित कुमार, डॉक्टर आकाश शुक्ला, प्रधान विवेक शुक्ला, दुर्गेश गिरी आदि लोगों से जनसंपर्क कर उन्हें सम्मानित किया तथा पार्टी की नीतियों से अवगत भी कराया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। सराय में दधीच कुंड तालाब के निकट लगा विद्युत ट्रांसफार्मर प्रचंड गर्मी के चलते शनिवार दोपहर अचानक धू धू करके जलने लगा। ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना दमकल कर्मियों को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर जल जाने से कई मोहल्लों की बिजली गुल हो गई, जिससे नया ट्रांसफार्मर आने तक सभी को अन्य आवश्यक कार्यों सहित पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ेगा। नागरिकों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए शीघ्र नया ट्रांसफार्मर लगवाए जाने की मांग की है। ब्लॉक हरगांव की ग्राम पंचायत महादेव अटरा में 7 दिवसीय राष्ट्रीय विराट एकता कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने किया। पहले दिन 4 मुकाबले हुए। मोनिस पहलवान कलियर शरीफ और नकाबपोश पहलवान कोल्हापुर महाराष्ट्र के बीच हुई कुश्ती बराबरी पर रही। सुनील पहलवान अयोध्या व आकाश पहलवान दिल्ली के मध्य दूसरी कुश्ती हुई, जिसमें आकाश पहलवान को शिकस्त मिली। तीसरी कुश्ती मुन्ना टाइगर पहलवान उघनपुर और मोनिस पहलवान कलियर शरीफ में हुई। यह मुकाबला भी बराबरी पर रहा। और चौथी कुश्ती मुकेश पहलवान संडीला और भूरा पहलवान कानपुर के बीच हुई, जिसमें भूरा पहलवान को पराजित कर मुकेश ने जीत दर्ज की। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुणेश त्रिपाठी, उदित वाजपेयी, प्रदीप मिश्रा, संतोष गुप्ता, राजेश कुमार राज, सुनील वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, राजेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। सिधौली के अमरनाथ इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद तथा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस्ड स्टडीज लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय नवाचार प्रदर्शनी और कैंप के समापन पर भारतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ के मुख्य वैज्ञानिक वीपी शर्मा ने कहा, नवाचार की सार्थकता तभी है जब वह समाज के लिए उपयोगी हो। विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के द्वारा मानव जीवन को सरल बना सकते हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में जनपद के लगभग 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनोवेटिव आइडिया प्रतियोगिता में त्रिषा पांडे को प्रथम, किसले दीक्षित को दूसरा, ऋषभ भार्गव को तीसरा, आदित्य सिंह को चौथा और आयुषी मिश्रा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। मीनाक्षी पटेल, प्रोफेसर एपी सिंह, डॉक्टर वीपी सिंह, डॉक्टर विकास मिश्रा ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य दिनेश प्रसाद अवस्थी, प्रबंधक डॉक्टर ओपी पांडे, आदित्य त्रिपाठी, रामेंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक में पैरा मेडिकल के पद पर तैनात चिकित्सक अनूप कुमार मिश्रा पुत्र दुर्गा शरण मिश्रा सुबह अपनी ड्यूटी पर बाइक से जा रहे थे, तभी चिकित्सालय के गेट के ठीक सामने बिंदु गुप्ता द्वारा अपने मेडिकल स्टोर की दुकान के ऊपर बिना किसी प्रशासनिक परमिशन के अवैध रूप से रोड के किनारे निर्मित कराई जा रही 4 मंजिला इमारत के 4th फ्लोर की शटरिंग खोलते समय एक पटरा चिकित्सक अनूप मिश्रा के सर पर आ गिरा, जिससे उनका सर फट गया। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। घायल चिकित्सक ने घटना की तहरीर प्रभारी निरीक्षक को देकर दुकान मालिक व ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। कस्बा इंचार्ज शैलेन सिंह ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
ज्येष्ठ माह के आखिरी शनिवार को इस तपती धूप में राहगीरों को शीतलता प्रदान करने हित मंगलदास प्रोविजन स्टोर लोहार बाग में ममता डोडेजा के द्वारा शीतल मट्ठा के पैकेट का वितरण किया गया। उनके सहयोग हित अनित मिश्रा, आशुतोष दीक्षित, संतोष शुक्ला, मनीष पांडे, शशि सिंह, प्रियंका वर्मा आदि मौजूद रही। यह था आज का खबरनामा, आप देखते रहिए आई इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल सीतापुर।